गाइस विक माई टूर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गुजरात में जो काम चल रहा है इसके अपडेट के बारे में बताऊंगा आज कि कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। और अर्थवर्क का काम खास करके पूरा हो गया है, जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहे हैं वहाँ पे ही बाकी है छोटे छोटे टुकड़ों में। बाकी खास करके अभी DLC PQC का काम अभी जारी है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे DLC हो रहा है, अभी DLC लेइंग हो रहा है। तो चलिए नजदीक से देखते हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि एक फ्लाईओवर बन रहा है और वहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पियर रेडी हो चुके हैं और इसके पीछे अपना अलाइनमेंट भी दिख रहा है। और इसके पीछे यहाँ पे आप देख रहे हैं DLC लेन चल रहा है यहाँ पे। भारतमाला परियोजना का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और ये 8-लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सामने जो मशीन है उसको पेवर कहते हैं। जो लिंग हो रहा है, जो रोड बन रही है, उस मशीन का नाम है पेवर और ये वोगले कंपनी का पेवर है। और इसके पीछे रोलर भी है और दो रोलर से रोलिंग हो रहा है और DLC लिंग का काम भी इस प्रोजेक्ट में स्पीड से चल रहा है। देखिए ये फ्लाईओवर है जो कब से बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे अभी एप्रोच स्लैब बनना बाकी है। और ये जो रोड जा रही है वो बायली गांव में जा रही है और वो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस साइड में भी आरीवल का काम खत्म हो चुका है और सामने आप देख रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन है, इसकी वजह से अभी अर्थवर्क का 200 मीटर का काम अभी रुका हुआ है। ये हाई टेंशन लाइन जैसे ही हट जाएगी ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे PQC फुल विड्थ में बोथ साइड में हो चुकी है और सोलर ड्रेन भी यहाँ पे हो चुकी है, साइड स्लॉप प्रोडक्शन भी हो चुका है और नीचे आप देख रहे हैं कि 2 ड्रेन भी बड़ी स्पीड से इसका काम चल रहा है। और इसके बगल में ROW में फेंसिंग का काम भी फुल स्पीड से चल रहा है यहाँ। और यहाँ पे भी आप सामने देख रहे हैं एक्सकेवेटर खड़ा है और ये 2 ड्रेन के लिए अभी एक्सकेवेशन का काम जारी है।
और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रोड वाला जो स्पान है वहाँ पे दोनों साइड में गटर लॉन्च हो चुके हैं और इसके आगे भी अभी गटर लॉन्चिंग का काम फुल स्पीड से चल रहा है। और सामने आप देख रहे हैं कि एक क्रेन खड़ी है। और देखिए यहाँ पे भी CUP है और वहाँ पे RE वॉल का काम अभी जारी है। और अभी आप सामने देख रहे हैं कि पैनल इरेक्शन का काम अभी हो रहा है और सामने जो मशीन खड़ा है उसे हाइड्रा कहते हैं। और यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर बन रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RE वॉल का काम अभी जारी है और RE वॉल की एज में अभी मिनी रोलर से रोलिंग हो रहा है और RE वॉल का काम भी अभी स्पीड में हो रहा है। और ये A1 साइड का RE वॉल है और A2 साइड में RE वॉल पूरा हो चुका है, वहाँ पे PQC भी हो चुका है। और देखिए ये पट्टे जैसा जो दिख रहा है वो जियो सेल है और ये पैनल पे लगाया जाता है, पैनल पे पकड़ बना के रखता है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ROW में फेंसिंग का काम अभी जारी है, फेंसिंग के लिए यहाँ पे अभी खड्डे किए जा रहे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं मिनी रिवर के पास और यहाँ पे भी एक ब्रिज बनने जा रहा है जिसका काम अभी फुल स्पीड से चल रहा है यहाँ पे। और सामने आप देख रहे हैं कि पियर कैप के लिए रेनफोर्समेंट का काम अभी जारी है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रेनफोर्समेंट का काम अभी पूरा हो चुका है और वहाँ पे पियर कैप पे कंक्रीट के लिए अभी सेंटरिंग का काम अभी जारी है और वो पूरा होते ही इसमें कंक्रीट किया जाएगा। और देखिए मिनी रिवर से खलखल करता पानी फुल स्पीड से बह रहा है।
देखिए सामने गडर कास्टिंग का काम अभी जारी है, यहाँ पे प्रीकास्ट गडर हो रहे हैं। और यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं कि अभी जीएसबी का काम जारी है, जीएसबी का बेड बन रहा है, अभी ग्रेडर से ग्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में डीएलसी लेइंग का काम जारी है। और यहाँ पे भी आप देखिए कि ROW में फेंसिंग का काम भी फुल स्पीड से चालू है, अभी बहुत सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे भी दोनों साइड में फुल विड्थ में PQC हो चुका है।